जैसा कि चुनाव का समापन हो चुका है, ऐसे में आज आप भी जनता के बीच जाकर के जनता से मिल रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अनिल नीतीश किसके पक्ष में जाएंगे? अब नतीजे तो कल पता ही लग जाएगा, कल वोट काउंटिंग है, काउंटिंग में पता लग जाएगा तो नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन जनता से मिलने का सिलसिला तो हमारा 12-13 साल से, हमने कभी इस बात का इंतजार ही नहीं किया कि हम चुनाव जीते हैं या ना जीते हैं उसके बाद जनता से मिलने का मन बन गया। जनता तो हमारे लिए एक तरीके से किसान है, सब अन्नदाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोगों को संस्कृति सिखाई गई है कि जनता जनार्दन, जनता ही भगवान है। हम समाज सेवकों को वही चाहती तो अर्श पर बिठाती है, वही चाहती तो फर्श पर गिरा देती है। तो जनता से मिलना तो हमारा नैतिक दायित्व है। समस्याएं तो वही हैं जो पहले थी, और समस्याएं हैं तो नेता को जनता के बीच में रहना चाहिए ताकि जनता अपने नेता से अपनी समस्या बता सके और उसका निदान हम लोग कर सकें। हाल ही में वाराणसी में इस वक्त ईवीएम का जो फर्जीवाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो हैं और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है ईवीएम मशीनों पे? अब ऐसा है कि सिर्फ बनारस की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरीके की घटनाएं घटी और कई जगह ईवीएम पकड़े गए, जिसका संज्ञान सोशल मीडिया के द्वारा तो हो रहा है, लेकिन जो टीवी चैनल उन चैनलों के द्वारा इस तरीके की संगीन घटना का चित्र नहीं किया जा रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतना है उनमें तो उनको महारत हासिल है, लेकिन इस बार मुंह की खानी पड़ेगी उन्हें। दूसरी चीज़ ये कि सरकार चलाने की हैसियत में ना तो नरेंद्र मोदी जी हैं देश चलाने की हैसियत में, और ना प्रदेश चलाने की हैसियत में आदरणीय योगी जी हैं। अगर इनकी ये हैसियत होती, अगर ये काबिल व्यक्ति होते तो ये लोग इस तरीके की हरकतों को अंजाम ना दे रहे होते। और सच मायने में तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने तो हमेशा जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल ली है और मोदी जी देश की बागडोर संभाल ली है। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ाना, बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दिए दाढ़ी काट कूट के बर्बाद कर देगा। वही हाल इन दोनों लोगों का है, योगी हों चाहे मोदी हों, इन दोनों ने देश और प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। और किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को इन दोनों से छुटकारा पाना ही है अगर वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है राजनीति के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, या किसान खुशहाल होना चाहता है, तो किसी भी कीमत पर इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जैसे कि आने वाले नतीजे जो हैं कल यानी 10 मार्च को, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपकी सरकार किस कौन पूर्ण बहुमत सरकार बना रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ही बना रही,